नमस्ते जैन, कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे रियल एस्टेट मार्केट के बारे में एंड रियल एस्टेट मार्केट अब 2022 में कैसा है, आज की डेट में क्या सिचुएशन है एंड फ्यूचर इसका कैसा हो सकता है। देखिए क्या है, रियल एस्टेट के ऊपर मैंने पहले दो तीन वीडियोस बनाए हैं इस चैनल पे, वो दो तीन साल पहले बनाए थे, जिसमें क्राइसिस के बारे में मैंने बताया था, जो अनफिनिश्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। बट आज की डेट में क्या सिचुएशन है मैं उसके बारे में बात करूंगा एंड उस सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बात होगी एंड प्लस फ्यूचर हम लोग और अच्छा कैसे कर सकते हैं रियल एस्टेट का उसके बारे में बात करेंगे। मैं नोएडा में रहता हूं एंड अगर आप लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि दिल्ली NCR एक ऐसा रीजन है जहाँ पे लाखों फ्लैट्स जो हैं अनफिनिश पड़े हुए हैं जिनका पोजेशन नहीं हुआ है। अब ये जो पूरा क्राइसिस था इसके कुछ रीजंस थे। पहला तो बिल्डर्स की गंदी नीयत, उनका करप्ट होना, उनका फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करना, फिर उनके लॉयर्स भी ऐसे ऐसे होते थे जो बायर्स के बारे में सोचते नहीं थे, फिर पॉलिटिशियंस जो थे उनका नेक्सेस होता था बिल्डर्स के साथ, पुलिस वालों का नेक्सेस होता था, इस बीच में हुआ क्या, जो कोर्ट्स होते थे कोर्ट्स भी जो है मामले को जो है वही करते रहते थे, पोस्टपोन ही करते रहते थे एंड बहुत सारे जो ऐसे लोगों ने एसोसिएशंस भी बनाई, जैसे JP सुपरटेक आम्रपाली में बहुत सारी एसोसिएशंस भी बनी थी, उसमें भी बहुत फ्रॉड्स हुए। कुछ कुछ लोगों ने तो ऐसा भी करा कि एसोसिएशंस बनाई कि हाँ भाई हम लोग पूल एंड बिल्ड स्कीम से जो है फ्लैट्स कंप्लीट करेंगे और वो भी पैसा लेके भाग गए, ऐसे ऐसे भी चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा जो है एक सबसे बड़ा रीज़न जो था वो ये था कि बिल्डर्स क्या करते थे, प्रोजेक्ट ए का पैसा बी में डाल देते थे, बी का पैसा सी में डाल देते थे, ऐसे करते करते हुआ क्या कि जो प्रोजेक्ट ए होता था वो कंप्लीट नहीं होता था, प्रोजेक्ट बी कंप्लीट नहीं होता था, ऐसे में बहुत सारे फ्लैट्स जो है अनफिनिश रह गए एंड बहुत सारे लोगों का पैसा जो है डूब गया, बहुत सारे लोगों का तो पैसा ये बिल्डर्स लेके भी भाग गए। अब कुछ कुछ जगह कन्विक्शंस हुई हैं, कुछ कुछ जगह मतलब पनिशमेंट मिली है बिल्डर्स को, बट उतना नहीं हुआ है काम जितना एक्चुअल में होना चाहिए था। अब 2017 में रेरा आया, उसने बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश करी बट अभी भी ग्राउंड लेवल पे उतनी चीज़ें सही नहीं हैं जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए थी। मेरा एक दोस्त है जो कि लॉयर है एंड वो NCLT के केसेस भी देखता है, तो उसने बिल्डर्स के भी केसेस देखे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या रीज़न है कि अब ऑलमोस्ट 10 साल होने जा रहा है ये प्रॉब्लम्स सॉल्व क्यों नहीं हो रही है। उसने मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, कहता है अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफदारी कर रहा हूँ कुछ है, बट जो उसने मेरे को ग्राउंड लेवल का फैक्ट बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ। उसने कहा कि जो नई गवर्नमेंट UP में आई 2017 में, उसने N+ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन लोगों ने क्या करा 2017 के बाद जो है ये चीज़ें को इन चीज़ों को रोक दिया, बट इन्होंने क्या करा जो पुराना मेस था उसको क्लियर अप नहीं करा। मतलब 2017 से पहले 2016 तक जो भी मैस क्रिएट किया गया था बिल्डर्स के थ्रू एंड 99% जो भी मैस है वो सब 2016 के पहले का ही है, तो इन्होंने वो सब मैस क्लियर नहीं करा कि भाई पुराना जो होना था वो हो गया, 2017 के बाद नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि भाई चलो आपने एटलीस्ट इतना करा कि 2017 के बाद और ऐसे केसेस ना हो, बट जो 2017 से पहले जो लोग फंसे हुए थे आपने आपको उनका भी सोचना चाहिए था, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहती है रियल एस्टेट से। आप लोग अगर मेरा चैनल पहले से देख रहे हो आपको पता होगा कि मैं YouTube केवल अपने शौक के लिए करता हूँ, मैं एक फुल टाइम शेयर ट्रेडर हूँ, शेयर मार्केट में मैं रोज़ रहता हूँ। शेयर मार्केट में हम लोग को एक चीज़ पता है कि अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आ जाती है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ उठ जाती हैं। रियल एस्टेट पे कोई अच्छी पॉलिसी आती है तो सीमेंट के शेयर उठ जाते हैं, स्टील के शेयर उठ जाते हैं, पेंट्स के शेयर उठ जाते हैं, फिर पावर के शेयर उठ जाते हैं, आपके FMCG उठ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के शेयर जो है वो उठ जाते हैं, ये सारी चीज़ें उठती हैं क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत स्ट्रांगली आपकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है, वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को एक साथ उठा देती है। क्योंकि जब आप घर बना रहे हो तो आपको स्टील चाहिए, सीमेंट चाहिए, आपको पेंट चाहिए, आपको अप्लाइंसेस चाहिए, जो घर ले रहे हो उसको फर्नीचर चाहिए, उसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, सब कुछ है, ये जो सारी किचनवेयर होता है आपका, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, वुडन वर्क की डिमांड बढ़ती है, फिर आपके और जो ग्लास की डिमांड बढ़ती है, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, तो ये जो सब चीज़ें होती हैं ना इनकी वजह से आप सोच सकते हो कि रियल एस्टेट का कितना इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा अगर कहीं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्डअप होता है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ना रियल एस्टेट का वो बहुत ज़्यादा है। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो तो यूपी का है बिकॉज मेरा जो फ्रेंड है वो यूपी के केसेस देखता है NCLT का, बट ये चीज़ पूरे देश में है, तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एंड प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट्स है अलग अलग स्टेट्स की, चाहे मुंबई साइड हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, चाहे कर्नाटक साइड हो, चाहे गुजरात साइड हो, चाहे राजस्थान साइड हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही है, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, जो स्टेट गवर्नमेंट है एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको आप एक चीज़ करनी चाहिए कि भाई जो रेरा के आने से पहले जो मेस था उसको धीरे धीरे करके हमें क्लियर अप करना है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। आप
अगर नोएडा में रहते हैं या आप नोएडा कभी आए हैं, आप देखिए पूरा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरा रास्ता देखिए, उसमें इतनी सारी अनफिनिश बिल्डिंग्स मिलेंगी आपको। नोएडा एक्सटेंशन आप देखिए, गुड़गांव अगर आप जाएँ तो गुड़गांव साइड में आप देखिए, गोल्फ कोर्स रोड देखिए, फरीदाबाद साइड आप जाओ वहाँ पर देखिए, गाज़ियाबाद में आप देखिए। ये सब ऐसा नहीं चाहिए हमें कि भाई ये बिल्डिंग सब ऐसे बस स्ट्रक्चर खड़े रहें, इनको कंप्लीट भी होना चाहिए, कंप्लीट हो एंड प्लस जो इनके बायर्स थे उनको फ्लैट भी मिले। ठीक है, अब 11-12 साल हो गए, कुछ कुछ तो लोग ऐसे हैं जो 2007-08 में जिन्होंने फ्लैट बुक करा था, 2022 चल रहा, 15-15 साल हो गए उनको फ्लैट नहीं मिले आपने। अब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन की कंपनीज हैं या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन की कंपनीज हैं, उनके थ्रू ही ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं, गवर्नमेंट अपने पैसे लगा के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवा दें। एंड ये ऐसा नहीं है कि कोई, मैं गवर्नमेंट को ये कह रहा हूँ कि भाई आप वो पैसा खर्चा करो, क्योंकि देखिए प्राइवेट कोई बिल्डर है वो फ्रॉड करके गया तो गवर्नमेंट क्यों पे करेगी, गवर्नमेंट का मेन ये एक तर्क हो सकता है। बट द थिंग इज, देखिए पहली बात तो गवर्नमेंट जो है लोगों की है, गवर्नमेंट को लोगों के हित के हिसाब से काम करना चाहिए। दूसरी बात, ये दिस इज़ गोइंग टू बी एन इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि आप एक, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर ये जितने भी फ्लैट्स हैं ये सारे गवर्नमेंट अपने पैसों से बनवा के डिलीवर करवा देती है ना, आप सोच नहीं सकते हो कितना ह्यूज बूस्ट मिलेगा हमारे देश की जीडीपी को। इतने सारे प्रोजेक्ट्स अगर जो अटके हुए हैं वो सारे के सारे अगर टाइम पे बन के तैयार हो गए ना, बहुत ह्यूज बूस्ट मिलेगा हमारे देश की जीडीपी को। ये जितने लोगों के पैसे फंसे हुए थे सबके पैसे रिकवर हो जाएंगे, जब उनके पैसे रिकवर होंगे तो वो और परचेजिंग करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ता है तो फिर डिमांड बढ़ते तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उससे फिर जीडीपी वगैरह सब बढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट, फ्यूचर नो डाउट सही है, 2017 के बाद जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं मोस्टली जो हैं प्रोजेक्ट्स टाइम पे ही चल रहे हैं। एंड अब आज की डेट में सीएलपी प्लान पे कोई नहीं जाना चाहता। इवन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो कि पहले रियल एस्टेट को बहुत अच्छा मानते थे, रियल एस्टेट में जाते ही नहीं है। अब वो सीधा कहते हैं भाई हम निफ्टी ETF खरीदते हैं, हम शेयर्स खरीदते हैं, हमें उसमें ज़्यादा कम्फर्ट है। इवन मैं भी आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरी खुद की फैमिली 2015-16 तक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते थे, उन्होंने सब ने वो रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दिए हैं। उसके बाद अब वो पूरा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर मार्केट नहीं तो आदमी FD में ही डाल दे, उसमें भी आदमी को ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है, एटलीस्ट आदमी के पैसे तो नहीं फंसते। CLP प्लान पर कोई नहीं लेना चाहता आज की डेट में फ्लैट। मैं तो खुद लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आपको रहने के लिए भी लेना है ना, 5-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दो, बट CLP प्लान पर कभी मत लेना। ये CLP प्लान और ये सारी जो चीज़ें ना, ये सब पुरानी चीज़ें हो गई हैं। रियल एस्टेट अब वैसा नहीं चलता जैसा पहले चला करता था 2014-15 से पहले। आज की डेट में जो 2017 से 22 तक 5 साल में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं ठीक हुए हैं, बट स्टिल देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी बहुत सारे बॉटल नेक्स हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में आप जाओ वहाँ पे देर लगती है, या फिर स्टैम्प ड्यूटी की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं बट अभी भी बहुत सारी करनी ज़रूरी हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो रेरा के आने के बाद कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 30-35% प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं, बट 60-65% प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। एंड अगर इसको भी अच्छी तरीके से सॉल्व करना है तो गवर्नमेंट को उस हिसाब से काम करना होगा। एंड इसमें केवल ये नहीं है कि प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है ताकि लोगों को घर मिल जाए, एक ये भी बात है भाई जब आदमी कोई ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जाए या फिर कोई गुड़गांव जाए या कुछ जाए तो लोगों को दिखना चाहिए कि भाई देखो ये सोसाइटी बनी हुई है, ये सोसाइटी बनी हुई है, ये है वो है। कोई अगर विदेशी आदमी भी आता है इंडिया में एज अ टूरिस्ट, उसको भी दिखना चाहिए कि हाँ देखो ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, ये रेजिडेंशियल एरियाज बने हुए, ये कमर्शियल टावर्स बने हुए हैं। बट वो अगर नोएडा आए, गुड़गांव आए, मुंबई आए या बैंगलोर आए, अहमदाबाद आए, कहीं पर भी आए एंड वो देखे स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, काम कुछ हो नहीं रहा, तो क्या सोचेगा? उसको तो ये लगेगा ना कि यहाँ पे तो प्रोजेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट ही नहीं होते। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट को अब सोचना चाहिए कि पुराने प्रोजेक्ट्स को भी फिनिश ऑफ किया जाए। फिनिश ऑफ नहीं करना तो एटलीस्ट इतना हो कि उनको डिमोलिश करके जो है उनके जो भी पैसे हैं वो बिल्डर से रिकवर करके लोगों को वापस दिए जाएं विद इंटरेस्ट। ये सारी चीज़ें एटलीस्ट ज़रूर होनी चाहिए। जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसे अनफिनिश प्रोजेक्ट्स हैं पूरे इंडिया में, गवर्नमेंट को वो आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड वहाँ पे रेजोल्यूशन कोई ना कोई निकालना चाहिए कि या तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करे बिल्डर नहीं कर रहा तो बिल्डर से आप पैसे रिकवर करें। अगर बिल्डर NCLT में चला गया है या बैंक्रप्ट हो गया है कुछ है तो गवर्नमेंट जो है अपने पैसे लगा के एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके लोगों को हैंड ओवर करे। वो करेंगे तो उससे काफ़ी एक अच्छा बूस्ट मिलेगा हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। ये एक ऐसी चीज़ है जो अब करी जा सकती है 2022 में, अगर ये चीज़ें होती हैं। अगर अगले 1-2 साल गवर्नमेंट ये सोचे कि भाई 2024 तक हमें ये सब करना है, आप मान के चलिए
हमें एक हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो एक टाइम पे 2008-09 में एक बूम पे थी ना, वो वापस बूम पे आ जाएगी 2024-25 तक। आपका इस मामले में क्या कहना है आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।